तो बेटा इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ लिए थे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस को बहुत अच्छे समझ लिया था हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों एक एक करके टॉपिक्स पुट अप करता जाऊंगा। बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि 11th के बच्चे के लिए ये वर्ड बहुत नया नया लगे, साल खत्म होते होते आपको ये फेमिलियर हो जाएगा, लेकिन ये इस चैप्टर का डिसएडवांटेज ही है और बच्चों का अनफॉर्चुनेट ही है कि हमें पढ़ाए सब कुछ जाता है बिना उसकी थ्योरी पढ़ाए। डायमेंशन हम सबके निकाल सकते हैं अगर कोई सर फॉर्मूला अपन को बता दें तो। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का अपन ईटा से देखते हैं बच्चों। एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। क्या होता है स्टोक्स लॉ? वो ये कहता है कि हर कोई इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर रख दिया जाए और वो ऑब्जेक्ट ना वी वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रहा हो तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसको पीछे की तरफ रोकता है। जैसे आपने कभी व्हीकल को बहुत तेज स्पीड से ड्राइव करके ले जाते हो तो आपको पीछे हवा का फ्रिक्शन लगता है ना, एक चेहरे पे हवा लग रही होती है या पूरा ड्रैग लग रहा होता है। तो ये लिक्विड, वैसी लिक्विड के अंदर अगर कोई चल के जाएगा तो लिक्विड के अंदर कोई चल के जाएगा बेटा तो लिक्विड का अपना एक करीब फ्रिक्शन देता है, उस फ्रिक्शन को ही बोलते हैं विस्कोसिटी। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं भी क्योंकि ये चैप्टर में पढ़ाने के लायक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। फिर से बोल देता हूं मैं, 6 पाई ईटा आर वी। तो इसको अगर डायमेंशन की भाषा में लिखोगे तो फोर्स के डायमेंशन किसके बराबर हो जाएंगे? 6 पाई तो बेटा कॉन्स्टेंट है, तो ईटा के डायमेंशन, आर के डायमेंशन और वी के डायमेंशन। बोलो सर आगे समझ में अपन को, तो हमें केवल फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर इफ यू विश टू फाइंड डायमेंशंस फॉर ईटा यू कैन जस्ट राइट एफ डिवाइड बाय आर वी। मुझे बताओ क्या आपको फोर्स का डायमेंशन नहीं आते क्या? तो बोलोगे सर जी आते हैं, किसने बोला? MLT-2 आर कितना हो जाता है? एल, आर मतलब इसका रेडियस। आर क्या हो जाएगा बच्चे? आर इक्वल्स टू रेडियस, v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां मैंने v का फॉर्मूला बोलो कितना हो जाएगा फिर? LT-1। बच्चे लोग इसको आप ढंग से लिख लीजिए तो ईटा का आंसर क्या आ जाएगा जल्दी जल्दी बोलो। एक लेंथ से एक लेंथ कट जाएगा, आंसर बोलो M1। लेंथ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एल, और ये -2 +1 बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये M1। इसको याद नहीं करना है, याद जो करना है वो ये फॉर्मूला याद करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अपन। सिमिलरली बच्चों अपन से बोलेगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल के बताओ। किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसकी वैल्यू भी होती है 6.626 × 10⁻³⁴ होता है बच्चा जूल्स कांस्टेंट। लाइट के जो पार्टिकल्स है वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे होते हैं, जितनी ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा उनके पास एनर्जी होती है। तो प्लैंक्स की इक्वेशन में ऐसा बोला जाता है ई प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या अगली लाइन में बोल देंगे ई बराबर एच इंटू एफ। किसी किसी बुक में बेटा एच इंटू न्यू भी लिखा रहता है, न्यू और एफ एक ही चीज होती है, इसका मतलब होता है उस वेव का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इतनी थ्योरी की जरूरत नहीं है अपन को, 11th क्लास में अपन को केवल बोलना है सर आप तो बस फॉर्मूला बता दो बाकी हम देख लेंगे। ठीक, सो यू ओनली रिक्वायर अ सर्टेन फॉर्मूला। तो एनर्जी के जो डायमेंशन रहेंगे वो किसके हो जाएंगे बराबर? एच के डायमेंशन के बराबर और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर। इतना है बेटा समझ में? अब एनर्जी, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन किस में आएगा? तो बोलोगे सर जूल्स में आएगा, हाँ या ना बोल भाई। तो एनर्जी के लिए वर्क पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सबके डायमेंशन सेम ही होते हैं और आप भी सेम कर देना ML2T-2। यहाँ पे लिखा है मैंने H, अब बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं डायमेंशंस? तो फ्रीक्वेंसी के बारे में क्लास 9th में चलते हैं और पूछते हैं 9th के टीचर से, 9th के बोलो 9th के बच्चे से बेटा क्या होता है फ्रीक्वेंसी? तो बोलेगा फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1/टाइम पीरियड। तो आप ना बेटा अपने आप को बैकवर्ड क्लास में भी कनेक्ट करके रख सकते हो और फॉरवर्ड में भी सर कनेक्ट करने के लिए बैठे ही हैं। कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं 1/t के डायमेंशन, मतलब T^-1 हो जाएंगे। ये बाउंसर मारा क्या? तो यहां से अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं एच के क्या डायमेंशन होंगे तो बोलोगे न्यूमरेटर में तो एनर्जी के लिख लो और डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी का लिख लो, ये ऊपर जाएगा तो बच्चे +1 बनाएगा, आंसर बोलो T-1। और ये अपने आंसर आ गए, कोई परेशानी वाली बात? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, है ना। सिमिलरली बेटा मैं आपको पूछता हूँ कि प्रेशर के डायमेंशन क्या होंगे?
तो बोल देना सर ये तो आता है मुझे, बच्चों वाला काम हो गया ये तो, बचपन से पढ़ा हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पटक दो, क्या हो जाएगा फोर्स से? तो बोलेंगे सर एम एल टी माइनस टू होता है, एरिया से कितना हो जाएगा एल का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का टू बनाएगा। आंसर बोलिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं, समझ में आ रही चीज? बढ़िया। तो हमने प्रेशर का देखा, हमने प्लैंक कांस्टेंट देखा, हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखा। बेटा मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है बात कि 11th क्लास के स्टार्टिंग के बच्चे को ये सब मालूम भी नहीं है, हम उसके साथ बहुत जाती कर रहे होते हैं। बट क्या करें, इस चैप्टर की मजबूरी है कि पढ़ाना उसको 11th और 12th की हर एक क्वांटिटी के डायमेंशन है, लेकिन बताना कुछ नहीं है। समय के साथ वो चैप्टर शुरू होगा तो तब आपके फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे। डाउट तो नहीं है? अरे हाँ ना बोल भाई। बढ़िया, तो ये मेरा प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये हमारा प्रेशर हो गया। अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें पूछूंगा, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मुझे करके दिखाइए बच्चों लोग, है ना? ठीक है। सो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये अपन से, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कौन से ऐसे पेयर हैं जिनके डायमेंशन मैच नहीं करते हैं? फोकस ऑन दिस वर्ड, मैच नहीं करने वाले डायमेंशन बताने हैं। हालांकि ये प्रीवियस ईयर जेई से पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब है बच्चों ने तब तक 11th भी पढ़ ली होती है, 12th भी पढ़ ली होती है, तो उनको क्या होते हैं इनके डायमेंशन पता होते हैं। ठीक है, चलो उसको टारगेट करते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ बेटा ये ऑप्शन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फॉर्मूला मोमेंट ऑफ क्या लिखा है, इनर्शिया। तो इनर्शिया को आई से देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं आसपास स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूंगा तो एम यहाँ पे मास रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एम इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चे इसका डायमेंशन कैसे हो जाएंगे? तो बोलोगे सर एम मास के लिए एम आएगा और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एल स्क्वायर और टी कितना हो जाएगा जीरो। समझ में आया क्या? और सेकेंड वाले ऑप्शन में लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को बेटा टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। और टॉर्क का डायमेंशन होता है आर इंटू एफ। जैसे अपन कोई गेट वगैरह खोलते हैं या कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगा के कोई रोटेटिंग करते हैं बॉडी को, तो आर इंटू एफ आता है। तो बेटा यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएंगे, आर के बोलो एल हो जाएगा आर से, तो आर क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कितना होता है, एल होता है। और आर इज डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका गेट है घर का, है ना, ये गेट है आपका, ऐसा होता है ना गेट वगैरह डिजाइन वगैरह बनी रहती है, उसको खोलने के लिए आपको फोर्स लगता है बेटा और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है, तभी वो रोटेट करता है। यही करते ना अपन, तो रोटेट करने के लिए किसी मोमेंट पे फोर्स लगता है, एंड दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ये चैप्टर 7 में आएगा, डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी केवल फॉर्मूले पे ध्यान दो। आर और एफ का फॉर्मूला लिखना है, मतलब कहने का है यहाँ पे एम एल टी माइनस टू आना चाहिए, तो इसको इक्वल टू में डाल देंगे कितना हो जाएगा, बोलोगे सर एम वन आ रहा है एल टू हो जाएगा और टी माइनस टू हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? तो बोलोगे सर नहीं मैच कर रहा है ना, आया कि नहीं आया? तो यही ए वाला ऑप्शन गलत है, मतलब यही वाला ऑप्शन अपना सही है। बाउंसर आ गया, बी ऑप्शन देखते हैं, ऊपर पढ़ा रहा हूं बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन में वर्क है, ठीक है, और क्या है, टॉर्क। तो वर्क और टॉर्क टाइम पास करने को दे रखा है, वर्क का भी आपको पता है एम एल टू टी माइनस टू होता है, और टॉर्क आपका इसी पेज पे नीचे लिखा हुआ है, कॉपी करके लिख लो। देखो दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? लास्ट वाला ये सी वाला करते हैं, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट। तो ये वर्ड सुन सुन के बहुत दिमाग खराब होता है कि यार ये 11th क्लास शुरू हुई है और पूरा सर लोगों ने नाटक करना शुरू कर दिया दूसरे दिन ही। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल बराबर एम इंटू वी इंटू आर, और प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको आज के लेक्चर में करा दिया है, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट तो अपन कॉपी कर लेंगे पीछे का देख के, है ना बेटा, कॉपी कर लो फटाफट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बोलो, ये रहा प्लैंक कांस्टेंट एम वन एल टू टी माइनस वन, कितना होता है एम वन एल टू टी माइनस वन, ठीक। और एंगल पे मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम माने मास, वी माने वेलोसिटी, आर माने डिस्टेंस। तो मास से आएगा एम, स्पीड से आएगा एल टी माइनस वन, और आर मतलब एल। इसको सॉल्व कर ले बेटा कितना आ जाएगा, ये
तो देखो ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। लास्ट में लिखा है इम्पल्स और मोमेंटम, ये एकदम से भारी क्वेश्चन अपने हाथ लग गया है, इससे अपने बहुत लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। जेईई नीट का क्वेश्चन थोड़ा हैवी ही आता है बेटा। इम्पल्स का फॉर्मूला मैंने आपको डे वन पढ़ाया था, इसका मतलब होता है फोर्स इंटू टाइम, और मोमेंटम का क्वेश्चन फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा। बिल्कुल सही, तो मोमेंटम तो एटलीस्ट मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि 9th पास करे बच्चे को पता होगा, जब वो इन दोनों के डायमेंशन लिखेगा तो उसको मजा आ जाएगा क्योंकि दोनों के सेम हो जाएंगे। ठीक है, करके दिखाइए। देखो बेटा पे अटेंशन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन रैंडमली बहुत सारे अपन को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो टी यहाँ पे टाइम आ रहा है, तो बच्चों ऐसे अपन को ना काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, ध्यान दें सब लोग। एफ लिखा है, एटी स्क्वायर लिखा है, बीटी का स्क्वायर भी लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो सबसे पहले समझना है इक्वेशन क्या कहती है। तो एफ बराबर लिखा हुआ है एटी प्लस ऑफ बी टी का स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक बार फॉर्मूला बताया था कि इक्वल टू का साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, ग्रेटर देन और ये लेस देन वाले साइन क्या करते हैं, डायमेंशन चेंज नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है अगर इक्वेशन ऐसी है तो फोर्स के जो डायमेंशन होंगे वो ए और टी के मिल करके होंगे, और वही डायमेंशन बेटा आपके बी टी स्क्वायर के हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? अब पहले दूसरे को आप ले लो, और यहाँ पे ए के डायमेंशन पता करने हो तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स के डायमेंशन में नीचे टी के डायमेंशन लिखने पड़ेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो बोलोगे सर एम एल टी माइनस टू होता है, टी यहाँ पे टाइम है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलते जाइए आंसर एम एल टी माइनस थ्री। ये आ गया तुम्हारा पहला आंसर। फर्स्ट और लास्ट को पढ़ लो तो बी निकल आएगा। बी निकालने क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में फोर्स नीचे टी के स्क्वायर के डायमेंशन चाहिए होंगे। आंसर बोल बेटा, एम एल टी माइनस टू नीचे क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। क्या करूं मैं, आया तो माइनस थ्री माइनस फोर वाले कौन से ऑप्शन है, ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, ओके, पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। बड़े यहाँ कहता है डायमेंशन बताने हैं अपन को रिलेटिव डेंसिटी के। तो अगर आपने 9th में पढ़ा है ये फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या कहते हैं इसको, डेंसिटी किसका, ऑब्जेक्ट का, डिवाइड बाय क्या हो जाता है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, है ना। ठीक, तो ऊपर ही बेटा केजी पर मीटर क्यूब का टर्म आएगा, और नीचे भी किसका टर्म आएगा, केजी पर मीटर क्यूब, जो आपस में कैंसिल करके क्या आंसर बनाएगा, एम जीरो एल जीरो और क्या बना लेगा, टी जीरो। इसे क्या कहते हैं अपन, डायमेंशनलेस। फिर क्या लिखा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब बड़े वाले जी की बात हो रही है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए जहां पे ये लगता हो। तो बोलोगे सर 9th में ही पढ़ा है अपन ने, जी पहला मास दूसरा मास डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, इसको जी के रिस्पेक्ट में लिख लो आप, तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय पहला मास और दूसरा मास। अब इनके आसपास क्या लगा देंगे अपन, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, जिससे ये हो जाएगा कंफर्म कि हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, डायमेंशन। तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। हाँ ना, बोल भाई, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एल का स्क्वायर, मास लिखा है तो एक मास, दूसरे मास के लिए एक और एम, एम एम से आर हटा दो, आंसर बोलो एम माइनस वन। देखो ना ये एम ऊपर जाएगा, एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब, और टी माइनस टू, देखो ऑप्शन में दिख रहा है क्या, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कहता है द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये पढ़ोगे आप अभी केमिस्ट्री में, गैसियस स्टेट नाम का चैप्टर शुरू करेगा टीचर। ठीक, तो वहां ये मालूम पड़ता है कि आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी बराबर एन आर टी होता है, एन वहां पे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर ओ टी, तो उसी को पैटर्न में ये ऐसा चेक करके लिखा है, इसको वंडर वॉल का इक्वेशन कहते हैं, वंडर वॉल। इतनी टेंशन मत लो, इक्वेशन ही से ही मतलब होना चाहिए अपन को, नाम पर क्या करें अपन। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है, पी प्लस ए बाय वी का स्क्वायर, और यहाँ लिखा है वी माइनस बी बराबर ऑफ आर टी। तो पूछा है इसने डायमेंशन बताइए ए के कितने होंगे, राइट बच्चों, ए के पूछे है ना। तो मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ बेटा, आप अगर 5 kg में से कभी 5 मीटर माइनस करते हो, सुना है क्या आपने, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, तो मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे।
मतलब मास के टर्म से मास का टर्म ही माइनस होगा, लेंथ के टर्म से लेंथ का ही होगा, जो जैसा बच्चा होगा वैसे बच्चे से ही बात करेगा, इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। तो यहाँ देखो एक प्लस का साइन लिखा है, यहाँ एक माइनस का साइन लगा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डायमेंशन प्रेशर के होंगे वही डायमेंशन ए बाय वी स्क्वायर के होंगे, और राइट साइड में जो डायमेंशन वॉल्यूम के होंगे वही डायमेंशन किसके हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे। ये बात तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, वी वहां पे वॉल्यूम है, सुना है ना इंग्लिश वाली मैडम के मुंह से, बर्ड और सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो जैसा बच्चा होता है उसी से बात करेगा, वैसे ही जो जैसी क्वांटिटी होगी उसके साथ ही इंटरेक्ट करेगी। तो प्रेशर में से अगर कुछ बढ़ेगा तो प्रेशर का टर्म ही बढ़ेगा, और कम होगा तो प्रेशर का टर्म ही कम होगा। दिस इज द आंसर विच वी वुड लाइक टू टेल टू स्टूडेंट्स। अब यहाँ मुझे ये निकालना है बेटा, तो ए के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, तो बोलोगे सर जी प्रेशर के डायमेंशन में वी स्क्वायर के डायमेंशन को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्रेशर का मैंने आपको आज पढ़ाया है, आज के लेक्चर में पढ़ाया है, क्या होगा वो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। हाँ या ना बेटा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, वो याद हो जाना चाहिए अपन को। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तो बोलना सर वॉल्यूम किसी का भी हो, क्यूब का, स्क्वायर का, स्फीयर का, दुनिया में किसी का भी वॉल्यूम होगा वो किस में आएगा, उसका भी स्क्वायर करना है। तो एल कितने हो जाएंगे, छ, थ्री टू जा सिक्स, एक कम कर लो कितना हो जाएगा फाइव, नहीं आया क्या, ये अपना आंसर है। किसी किसी क्वेश्चन में बी पूछ सकता है, तो बी तो ढंग से आ जाएगा आपका, वॉल्यूम निकालना है बी में तो बस, तो बी का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी एल क्यूब, एल का क्यूब होगा, यहाँ स्क्वायर इसलिए सिक्स हो रहा है वो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, एक क्वेश्चन बेटा ये हो सकता है कि ए बाय बी के क्या डायमेंशन होंगे, तो उसके लिए आपको ए भी निकालना होगा बी भी निकालना होगा, तो हमने दोनों निकाल रखा है तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। आया क्या, कितना आ रहा है एम वन एल टू, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो अब भी बोल दो भाई, नहीं है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। सो इन दिस क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव दैट सिमिलर डायमेंशन, मतलब फिर से आपको क्या करना है, चेक करना है, सॉरी आपको बेटा चेक करना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के क्या सेम डायमेंशन है, इनके हैं इनके सबके हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन को बहुत सारे डायमेंशन पता होते हैं ऑलरेडी, और नहीं है तो अपन को फॉर्मूले पता होते हैं। तो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाइए मेरे साथ आप। प्लैंक कांस्टेंट मतलब बच्चे बेटा होता है एच, ठीक है, एच का फॉर्मूला हो जाएगा ई डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको ये, तो ML2 T-2 सुना होगा एनर्जी के लिए, और फ्रीक्वेंसी के लिए कितना हो जाता है माइनस वन हो जाता है, आंसर बोलो ML2 T-1। इज दिस क्लियर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, बात खत्म, मास से मास आ जाएगा, लेंथ वेलोसिटी से हो जाएगा एल टी माइनस वन, और आर से मल्टीप्लाई करेंगे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो बराबर आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता अपना। बीच में क्या दिख रहा है अपन को, टेंशन, क्या है बेटा सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि टेंशन का मतलब होता है किसी फोर्स, किसी रोप के अंदर फोर्स होता है उसी को टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन बेसिकली वो टेंशन नहीं जो स्कूल से मिल रही होती है अपन को, घर में मिल रही होती है टेंशन, वो टेंशन नहीं है, ये टेंशन कौन सी है, रोप में लगने वाला फोर्स होता है ये। तो इसका फॉर्मूला फोर्स की तरह ही हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू कर लेते हैं। और अगर सरफेस पे कोई टेंशन पूछता है तो सरफेस टेंशन और टेंशन से बहुत होती है कंफ्यूजन बेटा, इसका मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स के लिए हो जाता है एम एल टी माइनस टू, और नीचे लेंथ के लिए एल, एल से एल चला गया, आपका आंसर आ चुका है एम एल जीरो टी माइनस टू। आपको दिख गया होगा इन दोनों में गड़बड़ चल रही है, तो जिनके डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं बेटा वही तो आपका आंसर होगा। आया क्या, सी वाले में क्या लिखा है, तो बोलोगे सर एंगल लिखा है, एंगल एंगल मतलब बचपन सुना होगा आपने, एंगल को क्या बोलते हैं अपन, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, या साइन थीटा लिखा होगा तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऊपर ही बेटा एल का टर्म है, यहाँ पे भी एल का टर्म है, ये भी एल का टर्म है, ये भी एल का टर्म है, तो एंगल बेसिकली कैसा टर्म है, डायमेंशनलेस। और स्ट्रेन जब आगे पढ़ाया जाएगा ना, इस साल ही पढ़ोगे आप, 11th के सिलेबस में ही है, तो स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा किसी क्वांटिटी में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज का मतलब, और रिलेटिव एरर सुना है आपने अभी एरर चैप्टर में,
रिलेटिव एरर, वही तो लिखा है यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल, तो ऊपर भी बेटा लेंथ का टर्म होगा, यहाँ पे भी लेंथ का टर्म होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा जल्दी जल्दी बोल दो। एम जीरो एल जीरो, तो देखो दोनों मैच कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए फटाफट, लास्ट ऑप्शन में स्ट्रेस लिखा हुआ है, ये वो स्ट्रेस नहीं जो अपन लोग लेते हैं फालतू के स्ट्रेस दिमाग में, ये स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया वाली, और प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बोलोगे सर दो दो नाम क्यों ले रहे हो फिर आप अलग अलग, तो ये वाला फोर्स बॉडी के अंदर से आ रहा होता है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और ये सिंपल फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें क्या करना है इतनी थ्योरी पढ़ के, हमें तो केवल फोर्स एरिया का मतलब होना चाहिए, मतलब इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे सेम होंगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ बिकॉज आज के लेक्चर में ही आप लोगों को करा दिया गया है प्रेशर का डायमेंशन, बात समझ में आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, टेंशन और सरफेस टेंशन में गड़बड़ थी, मतलब वही अपना आंसर है। ऑल राइट, छोटा इन दिस क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से द वेलोसिटी वी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इन टाइम टी इज गिवन बाय, तो ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसने आपको, क्या है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, वी बराबर बोलो एटी प्लस, तो वही वाला फॉर्मूला याद रखो कि सर ने बताया है कि बराबर साइन प्लस का साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, फलाना ढिमाका, क्या करते हैं ये लोग, दे डू नॉट चेंज द क्वांटिटी और द डायमेंशंस, ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा डायमेंशन आपके चेंज नहीं करते हैं, विच मीन्स दैट जो भी आपके वी के डायमेंशन होंगे और वही आपके किसके हो जाएंगे एटी के हो जाएंगे, और वही किसके हो जाएंगे बी डिवाइड बाई टी प्लस सी के हो जाएंगे। फिर बोलोगे सर यहाँ गड़बड़ क्या चल रही है, टी प्लस सी भी लिखा हुआ है, तो मतलब टाइम में कोई मास को ऐड नहीं कर देगा, टाइम में टाइम ही ऐड होगा, तो सबसे फुर्ती में जो आप आंसर निकालोगे वो कौन सा होगा, टाइम के डायमेंशन होंगे वही सी के डायमेंशन होंगे, मतलब ये ऑप्शन नंबर वन दिख रहा है, उसको डेट भी मार्क कर सकते थे आप, ठीक है। उसके बाद आप वी के डायमेंशन को एटी के साथ कंपेयर कर दीजिए, तो ए के डायमेंशन निकल आएंगे, कैसे आ जाएंगे, वी के डायमेंशन डिवाइड बाय टी, कोई दिक्कत, एल टी माइनस वन डिवाइड बाय टी कितना आ रहा है, एल टी माइनस टू, और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के इसको कर दीजिए, तो वी के डायमेंशन होंगे बेटा वो बी के डायमेंशन, और नीचे टाइम के डायमेंशन ही लिखे जाएंगे, प्लस सी करके टाइम पास मत करना, टाइम प्लस टाइम टाइम ही होगा, कोई दिक्कत, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ से वी का ब्रैकेट, और यहाँ पे हो जाएगा टी का ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा टी, आना चाहिए अपन को, है ना, एल टी माइनस वन होता है ना, ये टी टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा बेटा एल, तो बी का आंसर एल आ रहा है, एल का ए का आंसर एल टी माइनस टू, पक्की बात है ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा यहाँ से, तो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा।